नमस्ते स्टूडेंट्स, देखिए हमने चैप्टर 17 की बात की थी लास्ट थ्री जो वीडियोस आए थे उनमें, और चैप्टर में हमने पढ़ा था मीन, मोड और मीडियन। मीन, मोड और मीडियन, माध्य, बहुलक और माध्यक, तीन हमारे मुख्य बिंदु थे। तीनों के बड़े और वर्गीकृत बंटन के सवाल मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें प्रत्येक सवाल 6 नंबर का आएगा, इसकी मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं। आज मैं बात करूंगा कुछ इससे जुड़े हुए और भी सवाल जो मान लो आने के चांस बनते हैं, आ सकते हैं, पर ज्यादा जो मैंने तीन सवाल बताए उनके चांस है 99.99%, 0.01% जो भी चांस है आ भी सकते हैं, नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं, बट मैं इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है जिनके बारे में आज चर्चा करूंगा। आइए, वो कौन से टॉपिक है? पहला, जो हम माध्य पढ़ते हैं उसमें कुछ सामान्य तरह के सवाल हैं। कई बार क्या होता है, 30वें नंबर सवाल आएगा, ये 30वें में दो पार्ट दे दिए, एक बड़ा दे दिया और एक छोटा दे दिया, तो ऐसा हो सकता है जो छोटा सवाल आए वो इस तरह का आ सकता है जैसा मैं आज आपको बताऊंगा। माध्य की बात कर लेते हैं, माध्य को मीन बोलते हैं, एक्स बार से लिखते हैं, ये तो इसका परिचय। सवाल कैसे आए? जैसे एक कार्यालय में 5 कर्मचारी काम कर, 5 लोग काम करते हैं, और प्रत्येक की जो औसत वेतन है, प्रत्येक का जो औसत वेतन है वो है 3,000 रुपए। अब एक कर्मचारी का रिटायरमेंट हो गया, एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया। जब एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ, अब जो लोग बचे उनमें प्रत्येक का औसत वेतन 2,200 रुपए है। तो बताइए, जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हुआ, जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हुआ है उसका वेतन कितना है, इसकी बात करते हैं। तो देखो, साफ बात है, 5 लोग थे, प्रत्येक को 3,000 रुपए मिलते थे, तो 5 × 3,000 बराबर टोटल वेतन लगता था 15,000। अब एक व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया, यानी अब लोग कितने बच गए, 4 कर्मचारी, कितने हो गए, 4, प्रत्येक को 2,200 रुपए मिलते हैं, तो 4 × 2,200 कितना हो गया, 2,288। समझ में ये बात? पहले 15,000 रुपए लगते थे, एक के चले जाने से कुल खर्चा हो गया कितना, 8,800। तो जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हुआ है, उस सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति का जो वेतन है वो वेतन आएगा 15,000 - 8,800 बराबर 6,200 रुपए आ गया। यानी जो व्यक्ति सेवानिवृत्त होकर गया उसका वेतन है 6,200। ऐसा एक और सवाल लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये कहा जाए कि 16 संख्याएं हैं, 16 संख्याओं का औसत
दस है, संख्या हटा दी, एक संख्या इन 16 संख्याओं में से एक संख्या हटा दी गई, तो हटाई गई संख्या कितनी है पूछ रहा है। तो एक संख्या हटा दी और हटाने के बाद जो औसत आया वो भी हमें याद होना चाहिए। मान लो वो औसत आ गया 12, वो औसत कितना आ गया 12। देखिए पहले 16 संख्या थी, एक का औसत 10 था, ये हो गया हमारे पास में 160, टोटल आया 160। आप संख्या हो गई 15, हाँ जी, और औसत बढ़ गया कितना हो गया, औसत 12 हो गया। तो 12 इंटू 15, 15 × 12 = 180, टोटल बढ़ गया संख्या हटाने से, औसत बढ़ गया, यानी वो संख्या ऋणात्मक मानी जाएगी। यदि यह औसत कुछ और होता, धनात्मक कुछ भी आ सकता था, 9 आ गया मान लो, तो 15 × 135 हो गया 135। तब हमारे पास में जो हटाई गई संख्या थी, जिस संख्या को हटाया गया था, उसका मान आ गया 25। ये तो माध्य संबंधी कुछ इस तरह के सवाल थे। सिंपल सवाल ऐसा भी आ सकता है, जरा फटाफट देखिए, 7 है, 9 है, 10 है, 14 है, 6 है, 1 है, 5 है, इनका माध्य यदि 11 है, इनका माध्य 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल है, x का मान ज्ञात कीजिए सवाल है। तो हमारे पास माध्य का सूत्र होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आप देखिए राशियों का योग करेंगे, 7 + 9 + 10 + 14 + 6 + 1 + 5, और माध्य राशियों की संख्या कितनी है, राशियों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, और माध्य कितना दिया हुआ है 11। ये 7 इधर इससे गुणा आएगा तो 11 × 7 = 77, 9 × 7 = 16 + 26 + 14 = 40 + 46 = 5 = 51, 51 + 6 हो गया इधर, x का वैल्यू निकालना है, 51 इधर घट जाएगा, 77 − 51 = x, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास में 26। तो ये x अज्ञात राशि थी, उसका वैल्यू आ गया 26। ये तो माध्य से जुड़े कुछ सवाल थे, जो सिंपल सवाल छोटे सवाल थे। अब मैं बात करूंगा माध्यक या माध्यिका या मीडियन, तीनों का मीनिंग एक ही है, उससे जुड़े कुछ सवाल। दूसरा माध्य बहुलक से जुड़े छोटे सवाल मैंने आपको बता दिए थे, इसको माध्यिका भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आया 16, 9, 10, 4, 20, 12, 8, 15, इसका अपने को माध्य ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, माध्य ज्ञात करने के लिए इन अवर्गीकृत बंटन को पहले आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखा जाता है। आरोही मतलब छोटे से बड़े, और आरोही मतलब बड़े से छोटे क्रम में। मैं आरोही क्रम में रख रहा हूं, आरोही में सबसे पहले छोटा आएगा, कौन है 4, फिर कौन है 10, फिर कौन है सॉरी 4, फिर उसके 9, फिर 10, फिर अपने पास में 12, सॉरी 8 भी बड़ा अपने पास, 4, 8, 9, 10, 12, 15, 16 और 20,
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ है, टोटल अपने पास में आठ राशियां हैं। आप देखिए, यदि राशियों की संख्या हमारे पास में राशियां सम संख्या में है, आठ है, छह है, दस है, बारह है, राशियां सम संख्या में है, तब जो माध्यक हम ज्ञात करेंगे उसका सूत्र क्या होगा। मैं यहां राशियों की संख्या को n कहूंगा, n बटा दो वां पद प्लस उससे एक आगे वाला पद, n बटा दो प्लस एक वां पद। ध्यान दे आराम से, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा इसको, और दोनों को जोड़ेंगे और दोनों क्या करेंगे, आधा कर देंगे। यदि हमारे पास राशियों की संख्या सम है, छह है, चार है, छह है, आठ, दस, बारह, बीस, इस प्रकार से हो, तो जितनी राशियों की संख्या, मान लो यहां पर आठ है तो आठ का आधा करूंगा, चार आएगा तो चौथा पद लूंगा, एक उससे आगे वाला पांचवा पद लूंगा, दोनों पदों को जोड़ूंगा और उसका आधा करूंगा तो माध्यक आ जाएगा। यहां एन का मान कितना है, आठ है। देखो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ संख्या है, तो एन का मान आठ हो गया, तो आठ बटे दो यानी चौथा पद, चौथा पद प्लस उससे आगे वाला एक हो गया पांचवा पद, दोनों को जोड़ूंगा रूंगा क्या करूंगा, आधा, तो एक बटा दो चौथा पद कौन है, एक दो तीन चार, चौथा पद कौन है बताओ, दस, पांचवा पद कौन है, बारह, दोनों को जोड़ा और आधा किया, बारह और दस बाईस, एक बटा दो गुणा बाईस, कितना माध्यक आया, ग्यारह। कब, जब राशियां क्या हो, सम संख्या में हो। आप गुरुजी विषम में होता तो क्या होता, आगे देखिए, यदि राशियां या बंटन या चर राशियां यदि विषम संख्या में हो, विषम संख्या में हो, तब माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तब माध्यक ज्ञात करेंगे हम, माध्यक m बराबर जितनी राशियों की संख्या है उसमें एक जोड़ेंगे, बटे में दो लगाएंगे, और उतने नंबर का जो पद है उसको अपन माध्य कहेंगे। सपोज करो, इधर आ जाइए, यहां एक संख्या 25 और होती, कुछ भी होती, तो राशियों की संख्या बदल गई यहां पर, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ हो गई, विषम हो गई। विषम हो गई तो माध्य कैसे निकालेंगे, एम बराबर राशि संख्या नौ प्लस एक बटा दोवां पद। आइए, नौ और एक दस, दस में दो का भाग दिया, पांच नहीं है माध्य, याद रखना पांचवा पद है वो माध्य होगा। अब पांचवा पद गिनो, आ जाइए यहां पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, कौन है पांचवा पद, बाहर है, तो आप लिख देंगे माध्यक एम बराबर बार। ये हो गया सामान्य रूप से दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात करना। स्टूडेंट, एक सवाल और बताना चाहूंगा, जो अपनी इस बार की बुक में नहीं है, माध्यक से जुड़ा हुआ है, पर वो थोड़ा सा ठीक सवाल है। मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि माध्यक के सवाल में बारंबारता का विलोपन कर दे, बारंबारता गायब कर दे, तो हम कैसे उसको हल करेंगे। ऐसा सवाल पुरानी बुक सिलेबस में था, इस बार में नहीं है, फिर भी मैं आपको एक सवाल बताऊंगा, बाई दिवस आ जाए तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो देखिए, मैं एक वर्ग लिखता हूं यहां पर, वो वर्ग है जीरो से दस, दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस और चालीस से पचास।
यहां बारंबारता, यहां चार है या एक्स है या 44 है, यहां वाई है और यहां आठ है, और इन सब बारंबारताओं का जोड़ है वो दिया हुआ, हमारे पास में सिग्मा एफ भी बोलते हैं। सो ये दिया हुआ होगा, जब बारंबारताओं में से कोई बारंबारता छुपाई जाती है तो योग 100% दिया जाता है, ये याद रखें। और साथ में इस सवाल का माध्य कितना आएगा ये भी अपनों दिया हुआ होगा। मैं मान लेता हूं माध्य किसका 24 है, ऐसे ही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने माना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखिए आपको चित्र पता है कि माध्य का सवाल आते ही सबसे पहले सी एफ बनती है, पहली बारंबारता यूं क्यों रख देते हैं, इसको आगे वाले में जोड़ते हैं तो ये 4 + x हो गया, फिर इसको आगे वाले में जोड़ते हैं तो ये 48 + x हो गया, फिर इसको आगे जोड़ते हैं तो 48 + x + y हो गया, फिर इसको आगे जोड़ते हैं तो 56 + x + y हो गया। पर स्टूडेंट आप जानते हैं कि लास्ट सी एफ बारंबारताओं के जोड़ के बराबर होनी चाहिए, तो सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार लिख देंगे, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार 56 + x + y ये 100 के बराबर होनी चाहिए, बट यहां पर अपन 56 का उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आएगा 44। इसको डालो समीकरण संख्या एक। आगे देखिए, आप नेक्स्ट बात करता हूं मैं, हमारे पास माध्यक दिया गया है पहले से 24, हम दी गई या हमने जो मानी है बारंबारता एक्स वाई उसके अकॉर्डिंग जो माध्यक आए वो, और सवाल में दिया गया माध्यक दोनों समान होने चाहिए, तो माध्यक हमारे पास पड़ा 24, पर माध्यक का सूत्र होता है एल प्लस एन बटे 2 - c/f गुणा एच, पर वो कितना दिया गया है 24 दिया गया। अब एल क्या होता है, एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। सर यहां माध्यक वर्ग कैसे चूज करेंगे, देखिए जो माध्यक दिया गया वो कितना 24 है, ये 24 कौन से वर्ग के बीच में आता है वो हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा। आइए इधर 24 आएगा वो आएगा 20 और 30 के बीच में से, तो ये माध्यक वर्ग हो गया, इसको एल कहेंगे, इनके बीच का जो अंतर है उसको एच कहेंगे, इसकी बारंबारता को एफ कहेंगे और उसके ऊपर जो पड़ा उसको सी कहेंगे। वापस देख लें, हमारा माध्यक जो उत्तर दे रखा था वो 24 था जो 20 और 30 के बीच में से है, तो इसको अपन माध्यक वर्ग के रूप में चुनेंगे, एक आयताकार बॉक्स में बंद करेंगे, ये निम्न सीमा को L कहेंगे, इसका अंतर H होगा, ये F है और इसके ऊपर वाला C है, यानी जो वर्ग माध्यक वर्ग चुना है उसे ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता को C कहा जाता है। आइए उधर सूत्र में वैल्यू रखता हूं मैं, 20 + n/2, n यानी बारंबारताओं जोड़ हमें 100 दे रखा था, n/2 क्या 50 हो गया, सी का वैल्यू 4 + x था तो यहां पर माइनस होने के कारण यहां प्लस वाला निशान माइनस में चेंज हो गया, एफ 44 दे रखा था और एच वर्ग का अंतराल 10 है बराबर 24। यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से आपको, मैं इस 20 को उठा के उधर ट्रांसफर कर दूं, 20 इधर प्लस का है उधर जाएगा तो घट जाएगा, माइनस का होगा तो 4 बचेगा, यहां हमारे पास 50 में से 4 माइनस किया तो 46 हो गया और -x ऑलरेडी पड़ा था नीचे, 44 पड़ा था गुणा में 10 पड़ा था बराबर उधर, ये 20 जाकर 24 में से घट गया, कितना बचा 4, ये 44 भाग में इनका ट्रांसफर करूंगा तो 46 - x ये 44 चला गया गुणा में और ये 10 गुणा में पड़ा था कहाँ गया भाग में। देखिए स्टूडेंट ये हो गया 46 - x, इसको हल करेंगे 4 चौक 16 है और 1 17 / 10 रिजल्ट आया, ये लिख देता हूं 17.6, हमें एक्स का वैल्यू चाहिए तो ये 46 यही रहेगा और एक्स को उधर ले जाऊंगा ताकि प्लस का हो जाए, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 17.6, घटा दूंगा इसको इसमें से तो ये हो गया हमारे पास में 38.6,
4, ये x का वैल्यू आ गया 38.4 हमारे पास में आ गया x का, सॉरी 28.4 आ गया x का वैल्यू। अब x का वैल्यू जो है वो समीकरण एक में रख देंगे, यहां पर x का वैल्यू यहां पुट कर देंगे 28.4 और प्लस y आगे है, हालांकि आपको हल करना आता है नहीं आता तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहां पर देखिए x का वैल्यू यहां पुट करूंगा मैं 28.4 प्लस y इज इक्वल 44 है, तो y इज इक्वल हो गया 44 माइनस 28.4। ये रिजल्ट हमारा बना y इज इक्वल, ये आ गया अपने पास में 16, 12, 15.6। तो x और y का वैल्यू आ गया। स्टूडेंट देखिए बोर्ड पे, आराम से पूरे बोर्ड को देखिए एक बार कि यदि ऐसा सवाल आए जिसमें x और y बारंबार था छुपाई गई हो, हिडन हो और माध्यिक दिया हो, तो x और y कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मैंने आपको आज एक सवाल बताया है, समझ में आया होगा, अच्छी तरह देखें। अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मीन, मोड, मीडियन, माध्य, बहुलक और माध्यिक से संबंधित सारे सवाल जो बोर्ड एग्जाम में आने लायक है मैंने सब आपको एक्सप्लेन किए हैं। अच्छा, जितना मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया आप उसको याद करें, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 101% उन्हीं में सवाल आएंगे, वैसे ही सवाल आएंगे, संख्या बदली हो सकती है पर सवाल का तरीका नहीं बदलेगा, आप भाषा, सूत्र सब वैसे के वैसे याद रखें, संख्या यदि बदली आती है तो उन्हें आप सोल्व कर सकते हैं और अपनी किताब में जितने सवाल हैं सबको हल करें, सबको देखें, कुछ सेलेक्टिव सवाल भी मैंने आपको बता रखे हैं उनको देखें और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।